ओके चलो सब्जेक्टिव शीट कर रहे थे। सब्जेक्टिव शीट नंबर वन के क्वेश्चन नंबर हमने 9 तक डिस्कस कर लिया था। हमने क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करना है। कितने लोग हैं जिनका ये क्वेश्चन हो गया 10th? ओके, कितनों को डाउट है इसमें? देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, व्हाट इक्वल चार्जेस वुड हैव टू बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। अर्थ और मून के ऊपर वो कह रहा है कि कितने बराबर चार्ज रखे जाएं क्यू एंड क्यू, सो दैट टू न्यूट्रलाइज देयर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब होगा क्या, क्यू एंड क्यू जब चार्ज होंगे तो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो दो प्लैनेट जब आपस में रिपेल करेंगे तो उस केस में क्यू एंड क्यू, क्योंकि इक्वल चार्ज है, ग्रेविटेशनल की फोर्स क्या होती है, अट्रैक्टिव। तो होगा क्या कि ये अगर मान लो अर्थ है, ये मान लो मून है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के ऊपर रिपल्सिव है और ग्रेविटी की फोर्स दोनों के ऊपर अट्रैक्टिव है। ग्रेविटी की फोर्स अट्रैक्ट कर रही है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो रिपेल कर रही है। तो अगर आप चाहते हो कि न्यूट्रलाइज हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटी की फोर्स एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल, इक्वेट, सेटल हो जाओ यार। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा साइड पे हो जाओगे प्लीज, एक थोड़ा सा साइड पे हो जाओगे, थोड़ा थोड़ा एक एक साइड पे हो गए प्लीज, ठीक है, इधर आ जाओ, एक आगे आ जाओ प्लीज, इस तरफ आ जाओ जैसे बैठना है, उधर हो जाओ थोड़ा सा। ओके प्लीज सेटल हो जाओ। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है सबको, ग्रेविटी की फोर्सेस, प्लीज साइलेंस, ग्रेविटी की फोर्सेस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। कैपिटल जी की वैल्यू हमें मालूम है, मासेस हमें प्लैनेट्स के मालूम है और हमने क्या निकालना है, चार्ज। यहां से चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को क्या करने की क्या टेक्निक है, ठीक? कोई डाउट इसमें हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व ये वाला, ठीक? इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने शायद कर ली, तो तभी मैंने डन लिखा हुआ है इस पे, दोनों प्रॉब्लम्स पे। और ये क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया, ओके, सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, कैरिंग अ चार्ज ऑफ माइनस क्यू वन, ये रहा, इज मूविंग अराउंड द फर्स्ट चार्ज। तो इस चार्ज के आसपास ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो ये सर्कल में घूम रहा है ये चार्ज इन अ रेडियस ऑफ स्मॉल r। आगे आ जाओ, ठीक। प्रूव दैट टाइम पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन कैपिटल टी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जिन क्वेश्चंस के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है और घूमता है सर्कल में, सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करती है, टूवर्ड्स सेंटर। और कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे, ये माइनस है और ये प्लस है, ये फिक्स चार्ज है और ये रोटेटिंग चार्ज है, ये फिक्स चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टुवर्ड सेंटर है एंड इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल। तो ये फोर्स मैंने निकाल ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड, और ये सेंट्रिपिटल की तरह एक्ट करेगा। सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला या तो एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, पर क्योंकि मुझे कैपिटल टी टाइम पीरियड निकालना है तो ऐसे केस में ओमेगा को क्या पुट कर सकते हैं, 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो यहां से इसको 2 पाई बाय कैपिटल टी, 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल टी स्क्वायर आएगा और वहां से फिर कैपिटल टी कैन बी कैलकुलेटेड। तो एक बार देखो कोई डाउट इसमें, ठीक? तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, सर्कल में सेंट्रिपिटल चाहिए और सेंट्रिपिटल कहां एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर। तो अलग अलग केसेस में सेंट्रिपिटल डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होती है,
हमने प्लस वन में सर्कुलर मोशन किया था, कभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रिपिटल काम करती है, कभी कोई और फोर्स करती है, कभी टेंशन का कॉम्पोनेंट करता है, इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक विल एक्ट लाइक सेंट्रिपिटल। तो ये केस सबको क्लियर है? ठीक, फिफ्टींथ क्वेश्चन कितने लोगों ने किया? क्या ये रिपीट है? क्या रिपीट है? क्वेश्चन नंबर 5 का एक्चुअल में रिपीट था शायद ये 15th। हाँ जी, ठीक है, यहां तक चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, 14th एंड 15th रिपीट है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसका एक और पार्ट है, ये वाला पार्ट था, ये करना चाहता हूं मैं। कितने लोगों का इसका आंसर आ गया जिन्होंने ट्राई किया? आ गया था, ओके। कितने का नहीं आया? ओके, देखते हैं कैसे। देखो, एक ये जो प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन नंबर 5 का रिपीट ही है एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 15th एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें ना आपको दो चार्जेस गिवन है Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ R। तो आप अगर उन Q1, Q2 और R को पुट करेंगे तो वहां से फोर्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये ऊपर से मैंने लिखा हुआ है सॉल्व करके, पर ये हमने नहीं करना, हमारा क्वेश्चन कुछ और है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें दो चार्जेस गिवन है Q1 एंड Q2 जो एक्चुअल में ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। तीन स्फीयर्स हैं A, B एंड C, तो वो कह रहे हैं कि दिस स्फीयर A एंड B हैव आइडेंटिकल साइज। समझ में आता है आइडेंटिकल साइज है। थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद फर्स्ट एंड देन विद सेकेंड। इस क्वेश्चन का हिंट मैंने आपको लास्ट शीट में लिख के दिया था, कॉन्टैक्ट वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो A और B पे ओरिजिनल चार्ज कितने हैं Q1 एंड Q2, C के ऊपर चार्ज कितने हैं, C अनचार्ज्ड है। सबसे पहला काम क्या करना है, C और A को टच करना है, कॉन्टैक्ट में ले आना है। A का अपना चार्ज क्या है Q1, C का अपना चार्ज क्या है 0, तो कुल मिला के टोटल चार्ज कितना हुआ Q1 प्लस 0। और जब ये सेपरेट होंगे तो चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, तो Q1 प्लस 0 बाय 2, Q1 प्लस 0 बाय 2। ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है? कॉन्टैक्ट में आने के बाद, सेपरेट होने के बाद चार्ज Q1 प्लस 0 बाय 2 हो जाएगा। तो अब A के ऊपर फाइनल चार्ज क्या आ गया Q1 प्लस 0 बाय 2, C के ऊपर कितना आ गया Q1 प्लस 0 बाय 2, और B को तो अभी हमने टच ही नहीं किया, तो B के ऊपर चार्ज इटसेल्फ कितना है Q2। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक। अब उसने कहा कि जो C है उसको B के साथ टच करो और सेपरेट करो। तो अब A के ऊपर फाइनल चार्ज क्या आ चुका है Q1 बाई 2, ये रहा। C और B को जब कॉन्टैक्ट में लेके आओगे तो टोटल चार्ज क्या बन जाएगा Q2 प्लस Q1 बाई 2, और जब सेपरेट करोगे तो दोनों के ऊपर आधा आधा चार्ज हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि Q2 प्लस Q1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आधा आधा चार्ज हो जाएगा दोनों के ऊपर। वरना क्लियर है यहां तक? तो ये सिचुएशन आ गई थी, इन दोनों को जोड़ दिया, तो इनको ऐड किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, दैट इज Q2 प्लस Q1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब फाइनल सिचुएशन क्या बन गई कि B के ऊपर कितना चार्ज आ गया Q1 प्लस LCM लो 2Q2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, C को हटा दो क्योंकि फाइनल फोर्स उसने जो पूछी वो फिर से हमें A और B के बीच में पूछी। तो अब A के ऊपर इतना चार्ज है, B के ऊपर इतना चार्ज है, अब इनके बीच में सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस R, तो अब इनके बीच में फोर्स क्या होगी 1/4πε₀ फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब Q1 Q2 की वैल्यू तो ओरिजिनली हमें पता ही है, R भी उसने चेंज नहीं किया वो भी हमें मालूम है, तो यहां पर Q1 Q2 और R की वैल्यू को पुट करके फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि कैसे करना है?
तो जब जब आप दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लेके आओगे उन चार्जेस को ऐड करो, डिवाइड बाय टू करो और सेपरेट कर दो। फिर जैसे बोलेगा कि किन के बीच में फोर्स निकालनी है, जिन जिन बॉडीज में फोर्स निकालनी है उन उन बॉडीज में आप फोर्स निकाल सकते हो। हो सकता है वो ए और बी की बजाय ए और सी के बीच में पूछे या सी और बी के बीच में पूछे, कुछ भी हो सकता है, वो पूछने वाले पे डिपेंड करेगा। पर क्या आपको ये चार्जेस सेपरेशन समझ में आया कैसे होगा? ठीक, किया था ट्राई ये? ठीक, ट्राई नहीं किया? नहीं किया? कितने लोगों ने ट्राई नहीं किया असाइनमेंट? नहीं किया सर? ठीक है, मेंस, अभी मेंस का पेपर हो रहे हैं आजकल। आप जिन भी स्टूडेंट से पूछो ना आज की डेट में कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो दो दो टू टू इयर्स की जर्नी निकल चुकी है। अभी आ रहे हैं बच्चे भी, वही मिलने आए थे, इससे पहले भी आए थे, बताने आते हैं पेपर कैसा हुआ कैसा आया। एक सेट फिजिक्स में आसान आया, एक कहते हैं मॉडरेट आया, कोई कहता है केमिस्ट्री आसान आई, अलग अलग व्यूज़ हैं। बट एक व्यू सबका सेम है कि जिसकी एनसीईआरटी और बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका स्ट्रॉन्ग है ना उसी का पेपर ठीक हुआ है। कोई अगर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहा है और वो सोच रहा है कि मेरा इस टाइप का पेपर क्लियर होगा, ऐसा किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं होता। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए और लिख लिख के प्रैक्टिस होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि हमें पेपर आता होता है, आइडिया तो होता है कि क्या करना है, उस टाइम पे न्यूमेरिकल निकलते नहीं है और ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है। तो प्लीज़ अपने न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से लिख लिख के ही प्रैक्टिस करो, ओरली मत देखना, वो सारा एफर्ट इनटू जीरो हो जाएगा। मैं पहले बता दूँ आपको, जो लिख लिया बस वही आपका है, जो नहीं लिखा उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो उड़ गया। तो इसलिए हमेशा बोल रहा हूँ कि लिख लिख के ही प्रैक्टिस करना। ये शीट सारी एनसीईआरटी की शीट्स हैं। आप देखोगे आने वाले टाइम में मेंस के क्वेश्चन भी आजकल जो आ रहे हैं, पहले नहीं, 2018 वाला पेपर हमने सॉल्व किया था, वो तो सच में मुश्किल लगता था कुछ कुछ, लेकिन अब के जो पेपर है उनकी बुक्स भी आ चुकी हैं ऑनलाइन पेपर्स की, ऑनलाइन पेपर जिन्होंने डाउनलोड भी किए होंगे वो नॉर्मल है। उल्टा हुआ है, उल्टा एनसीईआरटी का पेपर में जरूर दम था, भार था, इस बार ठीक ठाक था, और मेंस वाला मतलब जो था, या तो माइंडसेट नहीं था लोगों का, उनको जरा हल्के में ले गए कि पेपर तो आसान होता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका टेढ़ा रहा इस बार। तो मैं इस बार, लास्ट ईयर तो नहीं दिया, पर इस बार मैं आपको एनसीईआरटी की एक और बुकलेट दूंगा। बुकलेट इन द सेंस कि हर चैप्टर के साथ साथ कुछ पेजेस दूंगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है एग्जाम में जाके एक नंबर, तीन नंबर, पाँच नंबर मालूम नहीं पड़ता क्वेश्चन में क्या लिखना है। तो इस बार साथ साथ हर चैप्टर के साथ साथ वो भी मिलने वाली है, अलॉन्ग विद द डेरिवेशन की बुकलेट जो हर साल मैं देता हूँ वो भी आने वाली है। तो वो साथ साथ आपको आइडिया दे देगी कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक, तो उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपका पेपर अच्छा होगा। भाई 8 होगी कैसे, किस स्टेप में? यहाँ पे ये कि ये चार्ज है ऐड कर दो, ये आ गया, आधा कर दिया इसका, 4 टू एलसीएम नहीं आएगा, 2 × 2 = 4 ये आ रही है। हाँ ठीक है, आ गई, नहीं ये ऑलरेडी हाफ है, ये मैंने दो बार नहीं लिखा, एक ही बार लिखा एक्चुअल में, हाफ ही है ये। ठीक, क्या स्टेप क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एस्टीमेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर में काट दो फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें आएगा एस्टीमेट ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री काट देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर एंड नेगेटिव चार्ज पोजेस्ड बाय देम। तो इसके अंदर एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 + 8 कितने? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक मॉलिक्यूल में। 18 ग्राम में या 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1 ग्राम में? आप एवोगाड्रोस नंबर की हेल्प से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। आ गए आपके पास? ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इन मॉलिक्यूल्स को 10 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। टोटल चार्ज बताना है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है वैसे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा? इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई, इतने कूलम का नेगेटिव चार्ज होगा, दिस इज द आंसर। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने केमिस्ट्री लगानी है, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आपने निकाल लेने हैं, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, उसके बाद फिर आपने क्या करना है,
एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करके टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? हाँ जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद मैंने बता दिया था सीजीएस सिस्टम में कैसे करना है, इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी कि सीजीएस सिस्टम में फोर्स का क्या फॉर्मूला लगाना है, और मैंने ये आपको सॉल्व भी करके दिखाया था, स्टैट कूलम वाला और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो, तो मैंने हैंड रिटन शीट में इसका मेथड बता दिया था। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, तो ये रिपीट है, राइट, ये हो गया था। ओके, ये क्वेश्चन कितने लोगों का हुआ? मैंने खुद नहीं किया, आपने किया होगा, पर मैंने आपको मेथड करके दिखा दिया। ये हो गया, आंसर आ गया इसका, बढ़िया है। देखो क्वेश्चन समझते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल बॉल्स हैविंग अनलाइक चार्जेस इज 2 सेंटीमीटर। तो आपको डिस्टेंस गिवन है, अनलाइक चार्ज का मतलब कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और Q1 और Q2 बिल्कुल डिफरेंट चार्जेस हैं, इनके बीच में R गिवन है, और क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो फोर्स की वैल्यू इनके बीच में कितनी है? अट्रैक्शन की, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कई लोग सोचेंगे कि अनलाइक है तो Q1 Q2 लो, लेकिन लो पॉजिटिव, पर क्योंकि अट्रैक्शन वर्ड है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फोर्स की वैल्यू मेरे पास है, तो इस केस नंबर, और फिर वो कह रहा है कि इन बॉल्स को मैंने आपस में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट का मतलब उनको कांटेक्ट में ले आया, चार्ज क्या हो जाएगा इनके बीच में? शेयर हो जाएगा। और फिर बताओ कि इनके बीच में जो फोर्स है उसने क्या कहा? अब वो रिपेल करेंगे। कोई बताएगा उसने एकदम अट्रैक्शन की फोर्स को रिपल्शन क्यों बोल दिया? क्योंकि चार्ज आफ्टर शेयरिंग क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, और सेम चार्ज आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते, इसलिए अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन हो गया। फोर्स आपको दे दी, आपसे पूछा जा रहा है Q1 Q2 बताओ। केस नंबर 1, जब मैंने उन्हें वायर से कनेक्ट नहीं किया, फोर्स का ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड में 1/4πε0 Q1 Q2/r² अट्रैक्टिव। फोर्स Q1 Q2 एक तरफ, ये टर्म्स एक तरफ, इसकी जगह 1/9×10⁻⁹ फोर्स मुझे मालूम है, आर मुझे मालूम है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, पूरे को सॉल्व करके Q1×Q2 का मैग्नीट्यूड आ गया। इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन आ गई Q1 Q2 की, मुझे Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो कि आफ्टर कनेक्शन, जब मैं इन दो चार्जेस को वायर से कनेक्ट करूंगा तो अब क्या होगा? क्योंकि इनिशियली एक के ऊपर चार्ज कितना है? Q1, और दूसरे के ऊपर चार्ज कितना है? -Q2। जब कनेक्ट किया या इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लेके आए, बात एक ही है, और जब सेपरेट किया तो इसके ऊपर चार्ज क्या बच जाएगा? Q1 ± Q2/2, और इसके ऊपर भी Q1 ± Q2/2, ठीक। तो कांटेक्ट में लाके जब सेपरेट करते हैं तो टोटल चार्ज को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वही चीज हुई। तो इनके ऊपर चार्ज Q1 ± Q2/2 हो गया, तो नई फोर्स क्या आ गई? 1/4πε0 Q1 ± Q2/2 × Q1 ± Q2/2 का मतलब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और क्योंकि अब चार्जेस एक जैसे हो चुके हैं नेचर में, दे विल रिपेल ईच अदर, तो ये फोर्स क्या है? रिपल्सिव। ये स्टेप क्लियर है? यहां पे आपको Q1 ± Q2 का होल स्क्वायर एक तरफ, बाकी टर्म सारी वैल्यूज पुट कर लो, फोर्स पता है, इसकी वैल्यू पता है, आर पता है, जब सॉल्व करोगे तो Q1 ± Q2 का होल स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि यही दो वेरिएबल अननोन है। ऊपर से आ गई वैल्यू Q1 Q2 की, नीचे से आ गई Q1 ± Q2 की। क्लियर है यहां तक? तो अब आपने ये कैलकुलेशन घर जाके करनी है। आपके पास Q1 ± Q2 अंडर रूट लेके आ जाएगा, यहां से जो भी आएगा आपके पास Q1 × Q2 आ चुका है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, जो भी बनेगी Q1 Q2 कैन बी कैलकुलेट। ये एक मेथड है। एक और आसान मेथड है, क्योंकि हमें Q1 ± Q2 की वैल्यू पता है, हमें काम करते हैं मैथ्स की इक्वेशन Q1 ± Q2 का होल स्क्वायर
इज क्यू वन माइनस क्यू टू का होल स्क्वायर प्लस फोर क्यू वन क्यू टू कैन बी रिटन। ये मैथ्स का फॉर्मूला है, ठीक है यहाँ तक? तो आप उसको ओपन करोगे ना अगर, तो एग्जैक्टली यही बनेगा। तो क्योंकि क्यू वन माइनस क्यू टू हम यहां से निकाल सकते हैं, क्यू वन इंटू क्यू टू हमारे पास ऑलरेडी है, इन दोनों को पुट करके सॉल्व करके मेरे पास किसकी वैल्यू आ सकती है, क्यू वन प्लस क्यू टू की। क्यू वन प्लस क्यू टू मैं निकाल लूंगा, क्यू वन माइनस क्यू टू मेरे पास है तो इनको सॉल्व करना ज्यादा आसान है। तो साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्यू वन एंड क्यू टू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये ज्यादा आसान मेथड लगा मुझे नेक्स्ट वाला, जो सेकेंड मेथड किया मैंने। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहो। क्लियर है यहां तक? तो कुछ नहीं है इसमें, दो इक्वेशंस बनानी है, बिफोर कनेक्टिंग आफ्टर कनेक्टिंग, और फिर उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना। कितने लोगों से क्वेश्चन हो गया था, फिर से पूछता हूँ एक बार, हो गया था? क्वाड्रेटिक बनाई थी, क्वाड्रेटिक बनाई थी, ठीक। तो हिंट वगैरह लिखते नहीं हो कुछ, सुनते ही हो फिजिक्स सारी? ये रजिस्टर चेक होना है, ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन छूट जाएंगे। अभी अगली बार आपको एक मैसेज आने वाला है, तो ये आराम से शीट चाहिए पूरी आपकी कॉपी में, ठीक? कोई हिंट लिखना है लिख लो साथ साथ। ऑब्जेक्टिव फोर कितने कितने लोगों ने की वैसे? ऑब्जेक्टिव फोर ट्राई कर ली, नेक्स्ट शीट कर ली। भी ट्राई की थी शीट, ट्राई की है दिवाश, कर ली थी शीट की है सारी, फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो गई सारी, हो गई? डाउट्स है? ओके, ठीक है यहाँ तक? तो एक घर में एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को, और इसको एक बार सॉल्व करना खुद अपने हाथ से, तभी प्रैक्टिस होगी, राइट? हिंट लिख लो, हिंट में कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरा सॉल्यूशन का कोई फायदा नहीं, बस हिंट लिखा करते हैं ताकि याद आ जाए कि क्या किया, बस इतना। ठीक, चले आगे। सो कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व? ओके, देखो इस क्वेश्चन के अंदर थ्री स्मॉल चार्ज स्फीयर इक्वल चार्जेस ऑन देम। तो यहां पर चार्ज Q, Q और Q, डिस्टेंस इन चार्जेस के बीच में मुझे गिवन है। क्वेश्चन है A एंड C आर इन फिक्स्ड पोजीशन, A एंड C आर इन फिक्स्ड पोजीशन एंड B कैन मूव, इनकी फोर्सेस से B हिल सकता है। C एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ऑन B। C ने B के ऊपर क्या लगाई? फोर्स, ऑब्वियसली रिपल्सिव लगाई होगी, सेम चार्ज है। कितनी लगाई? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो एक बात तो पक्की है, डिस्टेंस मुझे पता है, चार्ज अगर निकालना हो तो चार्ज तो आ ही जाएगा। कैसे? दिस फोर्स इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो आप सबसे पहले देख सकते हो BC की फोर्स मुझे पता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया का होल स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करके मैंने क्यू निकाल लिया, और क्योंकि चार्ज Q की वैल्यू इस पे और इस पे एग्जैक्टली सेम है, तो मेरा एक आंसर आ जाता है कि Q की वैल्यू मेरे पास आ गई। मेरे को पूछा जाता है व्हाट इज फोर्स, व्हाट फोर्स A एग्जर्ट्स ऑन B, A ने B के ऊपर कितनी फोर्स लगाई? तो ऑब्वियसली A ने B के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाई,
कितनी लगाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई 2/√3 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसका होल स्क्वायर। और सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, चार्ज, चार्ज लेकिन मैं निकाल चुका हूँ, तो ऊपर का चार्ज जो निकला था वो नीचे इन दोनों की जगह पुट करेंगे होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या जाएगी, फोर्स। क्या स्टेप क्लियर है? तो फोर्स निकालने के लिए चार्ज चाहिए और फर्स्ट पार्ट से चार्ज आ गया, चार्ज की वैल्यू पुट की तो फोर्स आ गई। और उसी तरीके से बी पार्ट में व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन बी, बी पे फोर्स कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है और सी लगा रहा है। तो ए ने बी को रिपेल किया, सी ने बी को रिपेल किया, तो एक फोर्स एफ ए बी, एक एफ बी सी। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए पैरेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों फोर्सेस क्योंकि 90 डिग्री पे हैं, तो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? एफ ए बी और हम निकाल चुके हैं, एफ बी सी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका स्क्वायर करके इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। एंड क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर तो आपको डायरेक्शन निकालने के लिए एंगल या कुछ ऐसी टर्म निकालनी पड़ेगी जो डायरेक्शन स्पेसिफाई हो सके, और एंगल निकालना ही बेटर है। तो टैन थीटा इज इक्वल टू एफ बी सी डिवाइडेड बाई एफ ए बी, टैन थीटा इज दिस वेक्टर अपॉन दिस वेक्टर, और ये वेक्टर क्या है एफ बी सी और ये क्या है एफ ऑफ ए बी। तो एफ बी सी मुझे पता है, एफ ए बी मुझे पता है, सॉल्व करेंगे तो 0.75, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 0.75, डायरेक्शन को ऐसे स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कूलम लॉ से ये बेसिक असाइनमेंट कैसे सॉल्व की जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इससे लास्ट तो किया होगा आपने शायद, कर लिया था लास्ट क्वेश्चन, बट यहां तक क्लियर है? ठीक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 4 करेंगे पहले, उसमें इसको खत्म करेंगे अभी के अभी। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 4 ओपन करना। ठीक, चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 4। इसे बंद करूं, हो गया? ठीक है, करें क्लोज। देखो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 4 में कितने लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों ने ट्राई किया और आंसर 400 रेडियंस पर सेकंड आ गया, आ गया पूरा 400, बहुत बढ़िया है। ठीक, देखो कितने लोगों ने सिर्फ ट्राई किया और आंसर नहीं आया, कितने लोगों ने ट्राई भी नहीं किया, बहुत बढ़िया। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, टू पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 कूलम आर फिक्स्ड एट ए एंड बी। 10 कूलम का चार्ज यहां पे और यहां पर हमने फिक्स कर दिया ए और बी पे। एंड सेपरेशन 2D इज 6 मीटर, तो ये डी 3-3 मीटर हो गया। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका मास आपको गिवन है 90 ग्राम एंड चार्ज भी गिवन है इसमें छोटा क्यू, इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर, तो रेडियस आपको गिवन है। ठीक, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, ये लाइन ए बी है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे मूव करता जा रहा है, आपको निकालना है। और ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं, वेट वुट कुछ नहीं लेना, आपको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगा। ठीक,
सबसे पहले क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव सर्कुलर मोशन में है और सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल, ये देखने से पहले कि ये मैंने डायग्राम बनाया कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू क्लियर है, ये माइनस है, किसी भी इंस्टेंट पे माइनस चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज, ये एरो समझ में आया, बाय अ फोर्स ऑफ एफ। सिमिलरली माइनस क्यू सॉरी प्लस क्यू इस माइनस क्यू सेम फोर्स से क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो एक वेक्टर यहां एक वेक्टर यहां, दो वेक्टर्स क्लियर है एफ एंड एफ, कोई डाउट इसमें? आगे अब मान लेते हैं कि यहां पर ये ट्रायंगल बनेगा और इस तरीके से ये एंगल, लेट अस सपोज थीटा, तो बाय सिमेट्री ये भी थीटा, ये थीटा, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा, एफ के दो कंपोनेंट बनेंगे, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा। सिमिलरली इफ एफ का भी सेम डायग्राम बनेगा, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा को क्या कर जाएगा, कैंसल, और नेट फोर्स 2f sin थीटा कहां एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर, और यही प्रोवाइड करेगी इस चार्ज पार्टिकल को सेंट्रिपेटल। ये स्टेप क्लियर है सबको, ठीक है यहां तक? पर क्योंकि f टेढ़ा था पर हमने इसका कंपोनेंट ले लिया जो टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करेगा एंड विल एक्ट लाइक सेंट्रिपेटल। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज 2f sin थीटा एंड इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपेटल, और सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इस दोनों का सम इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, हमने ओमेगा निकालना है। फोर्स की वैल्यू हम देख लेते हैं इसमें क्या होगी, फोर्स की वैल्यू विल बी इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इनटू इसका मैग्नीट्यूड, माइनस साइन नहीं लेना, डिवाइडेड बाय ये क्या है डी और ये डिस्टेंस कितना है कैपिटल आर, तो पाइथागोरस से ये कैपिटल आर है ये डी है, तो ये क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। और साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो साइन थीटा की वैल्यू भी पुट कर दी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो 2f साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से मैंने f पुट कर लिया, साइन थीटा पुट कर लिया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। मेरे को इस क्वेश्चन में d पता है 3 मीटर, मुझे कैपिटल R पता है इसमें 4 मीटर, मुझे दोनों चार्जेस पता है इनका मैग्नीट्यूड पता है सिर्फ, और मुझे मास भी पता है, मुझे R भी पता है, मुझे सिर्फ क्या नहीं पता ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू सॉल्व करोगे 400 रेडियंस पर सेकेंड आएगी, कोई डाउट इसमें? ठीक यहां तक? ठीक, मैंने इसका प्रिंट आउट दिया आपको शीट का, चेक करो, आज आपको दो शीट्स मिली होंगी जो स्क्रीन पे चल रहा है, इसका प्रिंट आउट है आपके पास? नहीं मिला? नहीं मिली? नहीं, इसका प्रिंट आउट मिला होगा, इसका नहीं मिला? नहीं, ये तो आज ही सॉल्व ही आज किया मैंने, कल किया है, तो परसों नहीं मिल सकता ये? अच्छा एक मिनट, रिसेप्शन से बुलाना, एक मिनट उसे। बता रहा हूँ, इसका प्रिंट आउट नहीं मिला, ऑब्जेक्टिव 4। ओके फिर देखो, कैपिटल क्यू माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, कैपिटल क्यू माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स निकाल लोगे, फोर्स के दो कंपोनेंट ये इमेजिन कर लेंगे थीटा, तो अल्टरनेट से ये भी थीटा सेम हो जाएगा, कैपिटल एफ कॉस थीटा कैपिटल एफ साइन थीटा, कैपिटल एफ कॉस कैपिटल एफ साइन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, टोटल फोर्स टूवर्ड सेंटर, तो सेंटर की जो फोर्स है इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। फिर यहां से एफ निकाल लोगे इन दोनों का और साइन थीटा निकाल लोगे दिस बाय दिस, तो आंसर आ जाएगा यहां से, ठीक, ओमेगा निकाल लें। ठीक, कोई डाउट इसमें? ई से करना है, एक ही बात है, ई निकाल लोगे फिर 4 से मल्टीप्लाई करो निकलेगी तो 4 सी,
एक स्टेप एक्स्ट्रा ही है, करना है कर लो फोर्स। अभी तो कूलम की प्रैक्टिस चल रही है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं कर सकते, हो सकता है वो एक्चुअली कूलम से तो बना ही, एक ही बात है। करते हैं तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं प्लीज़ वो रिसेप्शन से ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 4 के सॉल्यूशन का प्रिंट आउट ले लें रिकॉर्डिंग वालों के लिए, ठीक। सो इसके अंदर बेसिकली क्या करना है आपको, देखो अभी आपको सिर्फ समझना है, राइट। आप घर जाके इस पूरे डायग्राम को फिर से बनाएंगे तभी आपका ये नॉलेज आपकी होगी। अभी ये मेरी है, मैंने सॉल्व किया सुबह उठ के, तो ये मैंने सॉल्व किया, ये मेरा मेरी प्रैक्टिस है, आपकी नहीं है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, घर जाके सेकेंड टाइम जब लगाओगे तो ठीक दिमाग चलेगा आराम से कि कहाँ फैक्टर क्या बना, और फिर डाउट भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ये कैसे करना है, ठीक है यहाँ तक। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो मैंने हटा दिया था, कितने लोगों ने किया और उनका आंसर आ गया, ठीक है। ये एक ईजी क्वेश्चन है जिसमें बस इतना सा पूछा है किस केस में कोई यूनिट चार्ज है जो ओ पे पड़ा हुआ है, मींस यहां पर चार्जेस हैं -2q q 2q q, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां पर पड़ा हुआ है एट ओ +1। तो वो पूछ रहा है कि नेट फोर्स की डायरेक्शन बताओ, पहले ये डिसाइड करो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कौन खींचेगा आसपास के सराउंडिंग चार्जेस। ये क्यू इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। ये क्यू पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। जितनी फोर्स से ये करेगा उतनी फोर्स से ये करेगा, और ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल। क्लोज करें इसे। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इसका वेक्टर इस तरफ, इसका वेक्टर भी अट्रैक्शन का इस तरफ, तो टोटल फोर्स इस तरफ आएगी डी की तरफ, तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, अलोंग बी डी, अलोंग बी डी, ओडी की जगह बी डी, एक ही बात है। तो डायरेक्शन समझ में आई कैसे बनेगी, कोई डाउट इसमें, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज, क्वेश्चन नंबर फोर, कितने लोगों ने ट्राई किया और हो गया, बहुत बढ़िया है, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देर आर 3 चार्जेस दैट आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक चार्ज है क्यू, दूसरा क्यू और तीसरा भी क्यू, नहीं सॉरी, एक माइनस क्यू, एक क्यू और एक प्लस क्यू। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज प्लेस्ड एट अ वर्टेक्स ए, तो ए के ऊपर आपको क्या निकालनी है, फोर्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू बीसी। बीसी कहां पर दिख रहा है, ये बीसी है, नॉर्मल टू बीसी क्या हुआ, ये हुआ, आपको नहीं लगता वाई एक्सिस हो गया, नॉर्मल टू बीसी का मतलब इस तरफ। तो वो ये पूछ रहा है कि नॉर्मल टू बीसी जब फोर्स आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब उसको नेट फोर्स ही निकलवानी, उसको सिर्फ एक कॉम्पोनेंट निकलवाना है अलोंग वाई एक्सिस। चलो पहले देखें इसमें कौन कौन सी फोर्सेज हैं, फिर कंपोनेंट की बात करेंगे। सबसे पहले माइनस क्यू, क्यू और क्यू क्लियर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए ए ए क्लियर है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो ये एफ क्लियर है। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, एफ क्लियर हो गया यहां तक, ठीक। रिपल्शन समझ में आ रही है, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, और फोर्स निकालनी हो, फोर्स भी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्यू बाय ए का स्क्वायर,
इफ नीडेड। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। हम सारे वेक्टर बनाएंगे कहां, इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि हमें फोर्स इसके ऊपर निकालनी है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल, ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट बाय सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स की वैल्यू इसमें सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि ना तो चार्ज चेंज किया ना डिस्टेंस, ना चार्ज चेंज किया ना डिस्टेंस, नेगेटिव साइन अट्रैक्शन शो करता है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्लियर यहां तक? तो एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स अट्रैक्टिव इस तरफ। हम इमेजिन कर लेते हैं कि सपोज ये एंगल थीटा एंड थीटा, तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक लाइन अगर ज्वाइन करेंगे थीटा के साथ, ये थीटा सेम हो जाएगा, और ऑल्टरनेट एंगल से ये थीटा के साथ ये थीटा सेम हो जाएगा। ये भी क्लियर है? तो एंगल बराबर हो गए बाय सिमेट्री। इस एफ का एक कंपोनेंट थीटा के साथ एफ कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना, एफ साइन थीटा, और ऐसे इस एफ का एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, एफ का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो एफ साइन थीटा विल कैंसल एफ साइन थीटा, तो बताओ वाई एक्सिस में नेट फोर्स क्या आएगी, जीरो। यही आंसर है कि वाई एक्सिस में बताओ, क्योंकि यहां पर नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू बीसी में क्या आया, जीरो। तो आपका आंसर क्या मार्क होगा, जीरो। और अगर मैं ये पूछूं कि ये बताओ कि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, तो आप क्या मार्क करोगे, 2f cos थीटा। तो x में 2f cos थीटा, y एक्सिस में क्या आएगी, जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस एक्सिस में फोर्स पूछी है, नेट फोर्स नहीं पूछी, या x में पूछेगा या y में पूछेगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसको कैसे करना है? क्लियर है? एंड कुछ लोग ये पूछ रहे थे, वो ये एनसीईआरटी है या क्या है, ये टिपिकल एनसीईआरटी ही है, नो डाउट ये ऑब्जेक्टिव है, बट एक्चुअल में एनसीईआरटी का पेपर भी ऐसा ही आता है, और ऑब्जेक्टिव बेसिक्स भी ऐसे आते हैं। तो अभी कुछ लोग पूछ रहे एडवांस का, एडवांस का भी टाइम है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ही स्टार्ट होता है, फोर्स में कुछ नहीं आता एडवांस में, ठीक। तो पहले हम बिल्कुल बेसिक्स बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, उसके बाद अपने आप ही आपके लेवल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले आपको ना ये पूरे वेक्टर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी रहेगी पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आराम से जाओ, अपने रजिस्टर बनाओ, और एक एक वेक्टर को बहुत ध्यान से देखना आपने, ठीक। तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। नेक्स्ट जो है, मतलब ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बोर्ड में भी आते हैं, मैं वैसे बता दूंगा आपके नॉलेज में। ये क्वेश्चन जरा प्लीज फिफ्थ देखो, कितने लोगों का ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, एक बार देखना प्लीज, एक सेकेंड।
ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा कितने लोगों का ये अपने आप हो गया था घर से, जिन्होंने ट्राई किया हो गया, काफी उनका हुआ, बहुत बढ़िया। सो टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स कैरिंग अ चार्ज ऑफ क्यू 10 माइक्रो कूलम आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर की लेंथ का थ्रेड है तो, एंड फिक्स्ड पॉइंट है जहां से दो धागों को टांग दिया। इट इज फाउंड दैट इन इक्विलिब्रियम थ्रेड्स आर सेपरेटेड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे आके सिस्टम रुक गया, इक्विलिब्रियम में आके रुक गया, ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है, यही रुक गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्यू एंड क्यू चार्ज ने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया, तो रिपल्शन की वजह से दूर चले गए और यहाँ आके रुक गए। आगे आपको टेंशन निकालनी है थ्रेड में क्या होगी, तो जब भी थ्रेड वाले स्ट्रिंग्स वाले क्वेश्चन प्लस 1 के अंदर भी किए तो उसके अंदर क्या आ जाती है, टेंशन टी। तो टोटल एंगल 60 है तो कौन कौन सी फोर्सेस इसमें एक्ट करेंगी ये देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ये चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ये रही, और ये चार्ज इसे क्या कर रहा है, रिपेल, फोर्स ऑफ रिपल्शन ये रही। एफ एंड एफ वेक्टर क्लियर हो गया सबको, और क्योंकि ये इक्वेटरल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो टोटल, ये अगर 1 मीटर का स्ट्रिंग है तो इनके बीच में सेपरेशन भी एग्जैक्टली 1 मीटर ही होगा। तो स्मॉल आर की वैल्यू हालांकि मैंने ज्योमेट्री से भी निकाली हुई है पर जरूरत नहीं है, स्मॉल आर 1 मीटर ही रहेगा, ये भी क्लियर है यहां तक। दूसरी फोर्स इसमें क्या एक्ट करेगी, जो स्ट्रिंग है वो टाइट हो जाएगी, मास लगा हुआ है ना, टाइट होगी, तो स्ट्रिंग में क्या आ जाए करती है, टेंशन, तो ये टेंशन है, और ये आधा आधा एंगल 30 30, तो अगर ये 30 तो ये भी 30 ऑल्टरनेट एंगल। टी के दो कंपोनेंट्स होंगे, टी कॉस 30, टी साइन 30, और यहां वेट एम जी, तो एक इस बॉब का वेट एम जी, टेंशन और ये फोर्स। तो ये एफ, ये तो पता ही था हमें, टेंशन के हमने दो कंपोनेंट्स ले लिए, टी कॉस 30, टी साइन 30, और वेट इसका एम जी। सेम डायग्राम यहां बनेगा, चाहे लेफ्ट में बना लो चाहे राइट में बना लो, बात एक ही है। ये चार फोर्सेस या ये सब डायग्राम समझ में आया। अब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब कि लेफ्ट की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्स, और अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी, क्योंकि बॉब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो टी कॉस 30 इज इक्वल टू एम जी। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, ठीक। और लेफ्ट और राइट की फोर्स इक्वेट करें, टी साइन 30 इज इक्वल टू एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो टी साइन 30, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू बोलो क्या, 1/4 pi epsilon naught क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है, क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन, क्योंकि हमें टेंशन टी निकालनी है, हमें इस क्वेश्चन में चार्ज पता है 10 माइक्रो कूलम क्वेश्चन में गिवन है, हमें आर की वैल्यू पता है, मैंने ज्योमेट्री से निकाल दी हुई है क्योंकि मैंने क्या किया, ये 1 मीटर लिया, ये 30 है तो x निकाला, x को डबल किया लेकिन आया 1 मीटर ही, तो सीधा ही 1 मीटर लेते हैं। तो यहां से इक्वेशन नंबर 2 में आप q पुट करें, r पुट करें, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, t कैन बी कैलकुलेटेड, तो टेंशन की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो घर जाएंगे डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, डायग्राम बनाना है, सारी शीट्स रजिस्टर में सॉल्व करनी है फिर से, तभी प्रैक्टिस होगी, नहीं तो नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम तक रजिस्टर चेक करेंगे तो देखें जरा किसने क्या किया है, खाली हाथ कोई ना आए, मैं करना भूल गया या जो भी है, पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक। कोई डाउट इसमें? तो आइडिया क्लियर है इसको कैसे करना है, ओके। कितने लोगों का 6th क्वेश्चन हो गया, ओके। जिनके हो गए सारे हो गए, जिन्होंने नहीं किया उनका हुआ ही नहीं। देखो ये बहुत एक टिपिकल सीबीएसई क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर तो पक्का इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स को लेके इस टाइप का, इक्विलिब्रियम इस टाइप का, नेट फोर्स निकालो। जैसे आपके पास चार चार्जेस हैं, वो कह रहा है कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू, स्क्वायर के कॉर्नर्स में है ए ए ए ए, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालो किसके ऊपर, बी चार्ज के ऊपर, तो बी के ऊपर नेट फोर्स निकालो, बस ये क्वेश्चन है। सारे वेक्टर इसका मतलब किसके ऊपर बनेंगे, बी के ऊपर बनेंगे, तो अब सारा कुछ बी के ऊपर शुरू करें। बी के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, इसके सराउंडिंग चार्जेस,
सराउंडिंग में कुल मिला के कितने चार्जेस दिख रहे हैं, एक दो और तीन, तीन चार्जेस इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ तीन फोर्सेस लगेंगी और उनका नेट वेक्टर आपको निकालना है। तो रूल नंबर वन, क्यू ने क्यू को रिपेल किया तो इसका वेक्टर यहां बनेगा रिपल्शन का 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई ए का स्क्वायर। ये क्यू ने क्यू को रिपेल किया इस तरफ तो 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई ए का स्क्वायर। ये चार्ज इसे रिपेल करेगा तो इसका वेक्टर यहां जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई डायगनल किसके इक्वल होती है रूट टू ए का स्क्वायर। तीन फोर्सेस क्लियर है, एक इसकी रिपल्शन, एक इसकी रिपल्शन और एक इसकी रिपल्शन, तीन फोर्सेस हो गई। इन दोनों की वैल्यू ये F1, ये F2 और ये F3। अब आपके पास कुल मिला के तीन वेक्टर्स हैं, तीनों की वैल्यूज आपको मालूम है तो आपका इजी डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। तीन फोर्सेस हैं FB के ऊपर F1, F2 आपस में परपेंडिकुलर और ये F3। तो मुझे ये बताओ कि F1 F2 को का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो उसका क्या रूल है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो F1 F2 का नेट रिजल्टेंट इस तरफ ही आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। जैसे हम नॉर्मली पैरेललोग्राम में करते हैं कि ये F1 है, ये F2 है, 90 डिग्री पे है, तो इसका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यही रूल होएगा। तो इस केस में एक तो ये वेक्टर आ गया इसकी जगह और तीसरा F3 तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा था, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके ये तो आया ही आया और इस तरफ एक और वेक्टर था कितना F3। तो नेट अमाउंट ऑफ टोटल नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन इनको बेसिकली क्या कर देना है, एड। तो F3 के साथ ये वेक्टर भी चल पड़ा तो नेट फोर्स क्या आएगी, F3 तो आएगी आएगी, साथ में ये भी एड हो जाएगा। ये नेट फोर्स समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से F1 F2 को सॉल्व किया और F3 के साथ इसका वेक्टर हो गया तो सिंपली ऐड कर दिया। ठीक, आपने कुछ नहीं करना, F1 F2 F3 की वैल्यू मैंने आपको डायग्राम में बना के दी हुई है, उन सारी वैल्यूज को उठा के यहां पुट कर दिया तो F3 की जगह F1 F2 का मैग्नीट्यूड ऊपर से एग्जैक्टली सेम है तो मैंने ट्वाइस कर दिया, बेटर है। या आप दो बार कर लो, इसमें F1 F2 पुट करोगे ये वैल्यू आएगी, होल स्क्वायर से ये पूरी की पूरी टर्म बाहर आ जाएगी और रूट टू बच जाएगा। चेक करो, सिर्फ रूट टू बच जाएगा, बाकी एज इट इज आ गया। इसमें से 1/4πε0qa² कॉमन ये टर्म आएगी, एलसीएम लोगे तो ये टर्म आएगी, ऑप्शन मार्क कर सकते हो। कैलकुलेशन आपकी अपनी है, ये मेरी कैलकुलेशन, आप घर जाके करोगे तो अपने तरीके से करना, पर आपको बेसिक वेक्टर्स के रूल समझ में आ रहे हैं कि फोर्स की डायग्राम्स कैसे बनेंगे और वेक्टर से नेट वेक्टर क्या आएगा, बस ये पता होना चाहिए। कोई डाउट इसमें, कैलकुलेशन नहीं, ये सब आप घर जाके अपने आप करना, वैल्यूज पुट करने वाला काम आपका खुद का है। कोई डाउट इससे पहले, ठीक है यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे कि नेट फोर्स निकालो, वो स्क्वायर के ऊपर किसी भी चार्ज के ऊपर बोल देगा, उसकी मर्जी है जिस भी चार्ज पे वो बोले। ठीक, कितने लोगों ने 7th क्वेश्चन किया और आंसर आ गया बी, ठीक है बहुत बढ़िया। देखो इस क्वेश्चन, ये भी एक टिपिकल NCERT टाइप क्वेश्चन है और इसमें चार चार्जेस आपको गिवन है, -Q और -Q स्क्वायर के कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं। क्वेश्चन है अ स्क्वायर के ऊपर छोटा क्यू चार्ज स्क्वायर के सेंटर पे पड़ा हुआ है, छोटा क्यू चार्ज स्क्वायर के सेंटर पे पड़ा हुआ है, बाकी कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं। अब वो कह रहे हैं इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम के अंदर कितने चार्जेस दिख रहे हैं आपको, 5, 4 कॉर्नर पे और एक सेंटर पे। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो प्रूव करो कि इस केस में छोटे क्यू की वैल्यू इसके इक्वल है। तो सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में आती है इसको करने से पहले, -Q, -Q, -Q एंड -Q एंड Q, इस सिस्टम में ये भी तो पार्ट है छोटा क्यू, तो मुझे लगा छोटे क्यू से स्टार्ट करना चाहिए, छोटा क्यू इक्विलिब्रियम में है तो छोटे क्यू के ऊपर नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो छोटे क्यू को कौन फोर्सेस लगा रहा है वो देख लेते हैं। -Q इस छोटे क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट, उतनी ही फोर्स से ये -Q भी क्या करेगा, अट्रैक्ट, उतनी फोर्स से -Q क्या करेगा, अट्रैक्ट, और उतनी फोर्स से -Q क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये फोर्स इसके साथ, ये फोर्स इसके साथ कैंसिल, नेट फोर्स क्या आ गई, 0। इक्विलिब्रियम तो आ गया पर छोटा क्यू नहीं सॉल्व कर पाया, स्मॉल क्यू क्या आया मालूम नहीं।
तो बात नहीं बनी। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ा, क्योंकि और चार चार्जेस और थे, छोटे क्यू से आंसर नहीं आया, तो मैंने अलग नेक्स्ट चार्ज ले लिया। ये चार्ज आप कोई भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो, तो मैंने ये ले लिया क्योंकि ये भी तो इक्विलिब्रियम में है। तो मैंने माइनस क्यू के ऊपर नेट फोर्स निकालने की कोशिश की क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है और नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब इस माइनस क्यू पे कौन फोर्स लगाएगा, इसके सराउंडिंग चार्जेस, सराउंडिंग में कुल मिला के कितने चार्जेस दिख रहे हैं इसके आसपास, एक दो तीन और, तो कुल मिला के चार फोर्सेस लगनी चाहिए इस पे। माइनस क्यू, माइनस क्यू को क्या करेगा, रिपेल, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1/4πε0, दिस चार्ज इनटू दिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर। एफ क्लियर हो गया, ठीक है यहां तक। माइनस क्यू, माइनस क्यू को क्या करेगा, रिपेल, तो सेम फोर्स आएगी जो यहां पे आई थी 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्यू इनटू क्यू का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर। ये माइनस क्यू को क्या करेगा, रिपेल, माइनस क्यू को रिपेल, तो फोर्स क्या आएगी 1/4πε0 माइनस क्यू, ये क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर कर लेना, और डायगनल की लेंथ क्या होती है, रूट टू ए, तो डिवाइडेड बाय रूट टू ए का स्क्वायर, मिसप्रिंट है लिख लो इसके नीचे, रूट टू ए का स्क्वायर, रूट टू ए का स्क्वायर। स्टेप क्लियर है, ठीक, कोई डाउट इसमें? तो फिर से ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, माइनस क्यू इसे रिपेल करेगा, और लास्ट प्लस क्यू, प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 दिस इनटू दिस बाय आधा डायगनल क्या होता है, ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, फोर्सेस सारी क्लियर है, ठीक। तो अब आपके पास कुल मिला के चार फोर्सेज हैं और आपको यह पता है कि नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। एक फोर्स ये है एफ, एक फोर्स ये है एफ, एक फोर्स ये कितनी है एफ डैश, और इसके ऑपोजिट क्या है एफ डबल डैश। कुल मिला के फोर्सेज की वैल्यू पता है और ये डायग्राम बनेगा हमारा। अब मुझे पता है कि ये दोनों वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो इनका नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसका नेट रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आएगा। ये हटा देते हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ से इन दोनों को सॉल्व करके ये आएगा, ये और ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड हो गया, तो नेट वैल्यू इसके इक्वल आएगी। पर क्योंकि ये चार्ज किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये फोर्स किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ डबल डैश। आप चेक कर सकते हो, एफ डैश के साथ इसका रिजल्टेंट ऐड किया और रिजल्टेंट किसके इक्वल आना चाहिए, एफ डबल डैश, तो ये माना जाएगा कि सिस्टम किस में है, इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट फोर्स क्या आ चुकी है, जीरो। आपने कुछ नहीं करना, एफ डैश की जगह एफ डैश, एफ की जगह एफ, और एफ डबल डैश की जगह एफ डबल डैश, इन वैल्यूज को ऊपर से नीचे पुट कर देना है, जैसा कि मैंने सॉल्व किया हुआ है। क्यू 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 कैंसल, तो ये टर्म आ जाएगी, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसल, सॉल्व करेंगे तो स्मॉल क्यू की वैल्यू इसके इक्वल आएगी और ऑप्शन कैन बी मार्क्ड। कैलकुलेशन अपनी खुद करनी है आपने, बट क्या आपको मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे आपने वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं और किस वेक्टर को एग्जैक्टली किसके इक्वल रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट इसमें हो जाएगा, ये घर जाके करना है, इसके जो टेस्ट होने वाला है, बस एक दो लेक्चर के बाद टेस्ट होगा, तो मैं आपको चार पांच ऐसे सिनेरियो दूंगा, चार्ज स्क्वायर और ये सब के, तो आपको इक्विलिब्रियम में प्रूव करना होगा, ठीक। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आराम से नंबर आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना, ठीक है यहाँ तक। एट्थ क्वेश्चन नेक्स्ट मैंने हैंड एंड शीट में डाल दिया हुआ है, उसको नेक्स्ट टाइम ही करवाऊंगा, ये उसमें डाला हुआ है मैंने। नाइन्थ क्वेश्चन कितने लोगों का हुआ ये बताओ, ओके नहीं हुआ, ट्राई किया था, ओके क्वेश्चन एक बार प्लीज पढ़ो, क्या क्वेश्चन है इसमें और इसको सॉल्व करते हैं।
देखो टू बैलून्स, दो बैलून्स हैं, ये रहा, सिमिलर बैलून्स फिल्ड विद हीलियम गैस आर टाइड टू एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बॉडी ऑफ मास एम इज टाइड टू द अदर एंड, ये रहा, बैलून फ्लोट्स ऑन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, हवा में फ्लोट कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज बैलून के ऊपर सेम है क्यू एंड क्यू, आपको बताना है चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है मेरा पहला क्वेश्चन, कौन कौन सी फोर्सेस इस पे एक्ट करेंगी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ कैपिटल क्यू सेम चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन तो पक्का एक्ट करेगी, तो ये कैपिटल क्यू इसको रिपेल करेगा विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये कैपिटल क्यू इसे रिपेल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो एफ ई क्लियर हो गया आप लोगों को, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई छोटा आर का स्क्वायर, एक वेक्टर क्लियर है ठीक। दूसरा, इस बॉडी का क्या एक्ट करेगा नीचे की तरफ, वेट, ये भी क्लियर है। तीसरा, स्ट्रिंग है, धागा है, रस्सी है, टेंशन तो आनी आनी है, तो टेंशन पेयर में होती है टी एंड टी, तो इमेजिन कर ले, गिवन ही है थीटा एंड थीटा, थीटा तो अल्टरनेट से थीटा, टेंशन के दो कंपोनेंट्स टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, ऐसे इस टेंशन के टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, बना लेना टी से, बनाया नहीं सेम बनेगा, ये भी क्लियर है। अब मेरा अगला क्वेश्चन, इस पूरे सिस्टम की डाउनवर्ड फोर्स कितनी है वेट एम जी, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो जो इक्वल एंड ऑपोजिट है, वो बैलून को ऊपर और नीचे तो लेके आ नहीं सकती, वेट जरूर उसको नीचे ले आएगा, पर क्यों ये बैलून हवा में टिक गया, कुछ तो ऊपर की तरफ फोर्स लगनी चाहिए तभी हवा में टिकेगा, नहीं तो गिरी जाएगा नीचे। अप थ्रस्ट क्वेश्चन नंबर टू, जो मन में आता है क्या हमें सपना आएगा हवा में अपथ्रस्ट, पानी में तो अपथ्रस्ट सुनता है, सुना पानी में अपथ्रस्ट पक्का लगा, हवा में कब से अपथ्रस्ट है, कभी लगाते हैं कभी लगाते नहीं, ज्यादातर लगाते नहीं, आज कैसे लग गया, तो ये बैलून वाले जो क्वेश्चन है वो भी हीलियम से भरे, हीलियम बहुत लाइट गैस है, हल्की गैस है, आप अगर हीलियम का वो बैलून लेके भी आते हो वो जो उसमें गैस वाला जो गुब्बारा है तो कुछ देर के बाद तो वैसे ही हवा में टिका मिलता है आपको, जब गैस थोड़ी बहुत निकल जाती है, मतलब एयर का अपथ्रस्ट सच में काम करता है, नहीं तो उसका वेट उसे नीचे ले आएगा। तो बेसिकली क्या होता है, बैलून वाले क्वेश्चन में अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट ही एक ऐसी फोर्स है जो अपवर्ड एक्ट करती है और वेट को अगर बैलेंस कर जाए तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम रहेगा, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। क्लियर है यहाँ तक, तो इसमें अपथ्रस्ट आपको लगाना है, और किसी को फिर भी समझ में नहीं आया कि अपथ्रस्ट कब लगाना है तो हमने प्रैक्टिस कर ली, अब बैलून वाला क्वेश्चन मिलेगा आप तो पता लग ही जाएगा अपथ्रस्ट लगेगा, रोज रोज नहीं लगेगा, बस 100 में से एक ही दिन लगेगा बस ये ठीक, तो इसमें अपथ्रस्ट लेना है। अब एक और क्वेश्चन पूछूंगा, बड़े ध्यान से आंसर देना, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मुझे समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम का मतलब लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल अपवर्ड फोर्स बोलो 2u, u प्लस u, 2u पूरे सिस्टम पे, और डाउनवर्ड फोर्स बोलो mg। कितने लोग बोलते हैं कि गलत स्टेटमेंट है, 2u इज इक्वल टू mg नहीं, 2u इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, यहां से टी कॉस थीटा यहां से आएगा, तो 2u इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा प्लस mg, और कितने बोलते हैं 2u is equal to mg, और कितने ये सोच रहे हैं कि मैंने तो 2u is equal to mg लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, पक्का यही ठीक है obviously यार गलत क्यों लिखूंगा गलत भी तो हो सकता है, तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, 2u is equal to 2t cos theta, क्योंकि वो तो डाउनवर्ड फोर्स है ना, और प्लस mg, इक्विलिब्रियम बना रहा हूं, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और अगर मैं 2t cos थीटा नहीं लेता तो फिर आप लोग कहोगे कि 2t cos थीटा कहां गया, तो कुछ क्योंकि तो 2t cos थीटा लूं या ना लूं, लूं इसका मतलब यस यस है ना आंसर, ओके क्यों नहीं लेना, क्यों वेट टेंशन कॉज कर, नहीं वो सारी बातें ठीक है, मेरा क्वेश्चन है वेक्टर ये बोलता है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो मैं तो ठीक लगा रहा हूं ना,
बोलो। देख लिया, हाँ सही है, राइट, सही बोल रहा है, पूरे सिस्टम को देखा, आगे नहीं आएगा। वो कुछ ऐसे कह रहा है, टेंशन पेयर में होती है शायद, टी एन टी कैंसिल हो जाती है और टू यू इज इक्वल टू एम जी आएगा। नहीं, अच्छा वो कह रहे हैं नहीं, चलो और जो नहीं कह रहे हैं फिर आंसर दो, फिर क्या? ठीक है, ठीक बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे, पूरे सिस्टम को देखो। उसने ठीक बोला, मैं पूरे सिस्टम को देखूंगा, तो मैंने कुछ कुछ आंसर दिया, टेंशन पेयर में और इक्वल एंड ऑपोजिट है वो कैंसिल हो जाती है। ओके, मैंने आधा डायग्राम बनाया है, टेंशन पेयर में मैं हिंट दे रहा हूं, जब टेंशन का डायग्राम यहां बनेगा टी कॉस थीटा यहां भी तो बनेगा, टी थीटा टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, तो टी कॉस थीटा आपस में कैंसिल कर जाएगा जो दिख नहीं रहा है इसमें। तो ये दूसरे बैच में डिस्कस हुआ था पॉइंट, तो उसमें बना नहीं हुआ था, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, तो प्लीज बनाना है तो बना लो। टी का टी कॉस थीटा टी साइन थीटा फायदा कोई नहीं है, अगर ओरली याद कर सकते हो तो पता लग ही रहा है कि टेंशन ऊपर भी है नीचे भी और पेयर में है, और पेयर में एक्ट करती हुई टेंशन कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। क्लियर है यहां तक? तो मेरी इक्वेशन बिल्कुल सही जो मैंने बनाई, क्या बनाई, अपवर्ड फोर्स क्या है टू यू, डाउनवर्ड टोटल फोर्स कितनी है एम जी, तो टू यू इज इक्वल टू एम जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। टेंशन को बीच में नहीं लेना, क्योंकि अगर ओवरऑल डायग्राम को देखा जाए टेंशन पेयर में एक्ट करती है एंड ऑलवेज कैंसल ईच अदर, कुछ भी नहीं करेगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? ठीक, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। अब क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, एक बैलून भी इक्विलिब्रियम में है, फॉर सिंगल बैलून, एक बैलून के लिए टी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा यू, और टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा एफ ई। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्लियर है, यू इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, चेक करो, यू इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, कोई डाउट इसमें? इक्वेशन नंबर टू में इस यू की वैल्यू टी कॉस थीटा को इक्वेशन नंबर वन में पुट करो, तो इक्वेशन नंबर थ्री आ गई, टू इंटू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये स्टेप क्लियर है, यू की वैल्यू को पुट किया आ गया। आगे नेक्स्ट, एफ ई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी एफ ई, ये रही, वो किसके इक्वल आएगी टी साइन थीटा, तो मेरे ख्याल से ये इक्वेशन भी क्लियर है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई। ठीक है यहां तक? और लास्ट, क्योंकि टी साइन थीटा एफ ई टी कॉस थीटा एम जी, दो इक्वेशन थी, फोर और थ्री, फोर और थ्री इक्वेशन को डिवाइड कर लो, फोर्थ इक्वेशन है टी साइन थीटा एफ ई, थर्ड इक्वेशन है टी कॉस थीटा एम जी, टी से टी क्या हो गया कैंसल, टेन थीटा की वैल्यू आ गई। टू टी कॉस थीटा है, टू का फैक्टर नहीं लगाया मैंने, टी कॉस थीटा है ये वाला, टू टी कॉस, ओह सॉरी टू भी आएगा राइट, ठीक कह रही है, टू टी कॉस थीटा टू भी आएगा राइट, यहां पे टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू है ना, टू आएगा ना यहां पे, ओके टू भी लगा लेना, फिर टू फैक्टर देखना मेरे आंसर के अंदर टू फैक्टर कम है, अच्छा ठीक है फिर, यानी कि टू के साथ चलेगा, ओके कोई बात नहीं, तो यहाँ प्लीज टू लगा लेना, टू टी कॉस थीटा राइट, ठीक है मेरी इक्वेशन टू टी कॉस थीटा में चल रही है राइट, तो टू टी कॉस थीटा, और यहाँ पर फिर टू जो फैक्टर होगा वो ऊपर भी लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे इसको इंटू टू कर देना, देखो ना टू यहाँ पे टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, इसे डिवाइड किया है ना, टी से टी क्या हो गया कैंसल, तो यानी कि टेन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी, तो यहां से टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टू इंटू एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी, या फिर टू इंटू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी, ठीक है ना, तो टू एक्स्ट्रा फैक्टर चल रहा है, बाकी एवरीथिंग इज सेम, मतलब टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या इस टाइप क्लियर है? तो आपके पास ये टेन थीटा इंटू टू कर लेना। अब नॉर्मली हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वर्ड यूज करते हैं कांस्टेंट, बट आपकी बुक्स कई ऑप्शन में इसको के यूज करती हैं के, तो हम भी एक काम कर लेते हैं, जैसे इस ऑप्शन में के की फॉर्म में गिवन है, इस पूरे कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया बाय सिंबल के कांस्टेंट, बट याद रखना दिस इज नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी कहीं ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो नहीं है, ये नहीं है, ये नॉर्मल कांस्टेंट है, तो इसकी जगह थोड़ा छोटा कर लिया के लगा के, इसको टू से मल्टीप्लाई कर लेना प्लीज, हर जगह टू आएगा, और
क्यू एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो टू का फैक्टर जरूर लगा के रखना प्लीज इसमें जहां भी लगाना है, और फिर क्यू आएगा ऑप्शन मार्क कर लेना, जो भी ऑप्शन आएगा टू फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा, जो भी मार्क करना है कर लेना, कैलकुलेशन खुद कर लेना घर जाके कोई बात नहीं, बट पॉइंट समझ में आया क्या करना है, ठीक है यहां तक? तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लोगों का ये आंसर आ गया, हो गया सॉल्व? देखो क्वेश्चन है कि दो थ्रेड्स हैं, शुभम शुभम, दो स्ट्रिंग्स हैं, दो थ्रेड्स हैं, थीटा वन थीटा टू एंगल पे हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल वन एल टू है और मास एम वन एम टू है और चार्ज इनके सामने क्यू वन क्यू टू है, क्यू वन क्यू टू विल रिपेल ईच अदर, तो ये स्ट्रिंग्स दूर चली जाएंगी। अब मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा वन एंड थीटा टू, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि थीटा वन थीटा टू के इक्वल अगर मैं करना चाहता हूं तो मास का रिलेशन क्या होगा। वैसे तो कॉमन सेंस ही पता लग रहा है कि अगर मास बराबर होंगे तो बायसिमेट्री एंगल भी बराबर होगा, अगर मास बहुत बड़ा और छोटा हो गया तो एंगल एक जैसे नहीं बनेंगे, भारी वाला कैसे जाएगा, छोटे वाला दूर चला जाएगा। तो वैसे तो सीधा आंसर मार्क कर सकते हो, बट अगर मैथमेटिकल करना है तो ऐसा कर सकते हो, टेंशन टी थीटा वन टेंशन का कंपोनेंट टी कॉस थीटा वन टी साइन थीटा वन वेट एम जी, और क्यू टू क्यू वन को क्या करेगा रिपेल, तो ड्रॉ कर लो एक और वेक्टर एफ सी, एफ के पैर में ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ सी, या बना लेना एफ ऑफ ई, ठीक, यहां पे दूर की तरफ एफ ऑफ ई। इक्वेशन क्या बनेगी, टी कॉस थीटा वन इज इक्वल टू एम वन जी, करेक्शन करना प्लीज इक्वेशन नंबर वन में, यहां लिखना एम वन जी, यहां इक्वेशन नंबर वन में टी कॉस थीटा वन इज एम वन जी, टी कॉस थीटा इज एम वन जी राइट, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ सी, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। इन्हें अगर डिवाइड करेंगे टू इक्वेशन को वन इक्वेशन से तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा वन एफ सी बाई एम वन जी, इसके पैर में भी एम वन जी, tan थीटा वन इज एफ ई डिवाइडेड बाई एम वन जी, ठीक। और सिमिलरली सेकेंड बॉडी का भी सेम ही क्वेश्चन बनेगी, tan थीटा टू इज एफ ई डिवाइडेड बाई एम टू जी, एफ ई तो सेम रहेगा, एम वन की जगह एम टू आ जाएगा। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर मासेस बराबर हुए, एफ ई और जी तो दोनों के लिए वैसी सेम है, तो टैन थीटा वन भी टैन थीटा टू के इक्वल आ जाएगा, यानी कि थीटा वन थीटा टू के इक्वल आ जाएगा। कहने का मतलब फर्क सिर्फ कहां पर है, एम वन और एम टू में, तो अगर मासेस सेम हो गए तो एंगल थीटा वन भी किसके इक्वल आएगा, थीटा टू के, तो ठीक है। तो मैंने वैसे ही बता दिया था मासेस सेम होने चाहिए, पर मैथमेटिकली भी ये चीज प्रूव हो गई। कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व किया और हो गया, हो गया? देखो जरा क्या क्वेश्चन है, इलेवेंथ में नहीं, चार्ज पे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम लगेगी ना, एफ एफ ई सेम, इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। देखो क्वेश्चन है, दो बॉल्स हैं, हेमिस्फीयर सरफेस पे पड़ी हुई हैं, ये रही एम और एम, चार्ज क्यू एंड क्यू है और इक्विलिब्रियम में है, वैसे तो वो नीचे स्लाइड करनी चाहिए पर नहीं कर रही, क्यों, इनके चार्ज बॉल्स हैं,
चार्ज बॉल Q एंड Q एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रही हैं। मैंने लगाई नहीं, लगा लो एफ ई, इधर भी एफ ई लगा लो, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। इधर वेक्टर ड्रॉ करो एफ ई, इधर भी करो एफ ई, एफ ई एफ ई रिपल्शन है, ठीक है। तो ये कोई धागा नहीं है, जस्ट इमेजिनरी डॉटेड लाइन है, ये वैसी हेमिस्फेयर के ऊपर ऐसे टिकी हुई है। तो हेमिस्फेयर या स्फेयर का रूल है, अगर आप एक इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करो किसी भी स्फेयर के ऊपर, वो रूल है, वो कहाँ से पास करेगा, उसके सेंटर से, सेम है। तो इसमें ये सरफेस के कॉन्टैक्ट में रुकी हुई है, तो सरफेस इसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एन कहाँ एक्ट कर रहा है, टूवर्ड्स सेंटर, ये इसका सेंटर है। तो एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है, एक लेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 डिग्री है, ये आर गिवन है, तो एन के दो कॉम्पोनेंट्स है, एन कॉस 60, एन साइन 60, बस फर्क ये है, धागा होता स्ट्रिंग होती तो टी टी कॉस 60, टी साइन 60, अगर धागा नहीं है नॉर्मल रिएक्शन है तो एन कॉस 60, एन साइन 60, क्लियर है यहाँ तक। तो एन के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, वेट इसका एम जी है, और ये बॉल इसे क्या कर रही है, रिपेल एफ ई लेफ्ट की तरफ है, और क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स एन साइन 60 इज इक्वल टू वेट एम जी, तो यहाँ से एन की वैल्यू एम जी बाई साइन 60, एंड राइट की फोर्स एन कॉस 60 इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये समझ में आ रहा है कि एन ऑफ कॉस 60 इज इक्वल टू एफ ई, जो यहाँ मैं बनाया नहीं, एफ ई एन कॉस 60 एफ ई, एफ ई क्या होता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 क्यू 2 बाई आर स्क्वायर, क्यू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, के का मतलब यहाँ पर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं है। तो ये इक्वेशन आ गई, एन को ऊपर से नीचे पुट कर दिया, ये मैंने पुट किया एम जी बाई साइन 60 ये रहा, तो यहाँ से कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई रूट 3, यहाँ से क्यू निकालना है तो क्यू स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, अंडर रूट क्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो स्टेप समझ में आया कि कैसे इसमें चार्ज निकलेगा, ठीक है यहाँ तक। तो आप एक चीज अगर ध्यान से देखें तो एक जैसी क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं, टी टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, एन एन कॉस थीटा, तो इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं, बार 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 चीज को देखते जाओगे तो चीजें अपने आप ही रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, एक थोड़े थोड़े माइनर मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है यहां तक। कितने लोगों का ये 12th क्वेश्चन हो गया, प्लीज 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो।
कितने लोगों को समझ में आ गया ये क्या किया है? ओके, समझ में आ गया, अभी बाकी को नहीं समझ में आया क्या हुआ। देखो, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तीन चार्जेस हैं या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्यू चार्ज तीन कॉर्नर पे पड़ा हुआ है ऑफ इक्विलेटरल ऑफ साइड ए। हाउ मेनी मिनिमम चार्जेस शुड बी प्लेस्ड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए विद सेंटर एट ए। ए को सेंटर मानते हुए, मैंने यहां बनाया ए को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करो ऑफ रेडियस ए, तो वो सर्कल ऐसा बनेगा जब इसका रेडियस ए ए ए और ए बनेगा। ये समझ में आता है? तीन चार्जेस तो ऑलरेडी मेरे को गिवन ही है। कह रहे सर्कल के ऊपर और बताओ कितने कम से कम चार्जेस रखे जाएं सच दैट इस ए के ऊपर जो फोर्स है, सच दैट नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ऑन सेंटर इज दिस अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या हुआ? ये हुआ। तो कह रहे हैं कि जो चार्जेस हैं उनकी टोटल फोर्स एक्स के अलोंग आनी चाहिए। तो अगर आप ये चाहते हो कि फोर्स एक्स के अलोंग आए, तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा, तो एक्स के अलोंग तो नहीं फोर्स आ रही। इसका मतलब यहां एक चार्ज चाहिए जो इसे क्या करे, रिपेल करे, और नेट और फोर्स कहां लेके आए, एक्स के अलोंग, और कितनी, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई ए का स्क्वायर, और वो भी प्रूफ भी यही करना है। पर अगर ये चार्ज मेरा आंसर दे रहा है तो इसका मतलब ये चार्जेस की फोर्स क्या आनी चाहिए, जीरो। मैं चाहता हूं कि ये ना कंट्रीब्यूट करें, बस यही करें मेरा आंसर आ जाए। तो इसको कैंसिल करने के लिए इसके ऑपोजिट ये चार्ज रखा ताकि ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल हो जाए, और इसके ऑपोजिट ये चार्ज रखा ताकि ये और ये फोर्स कैंसिल हो जाए। अब अगर ये चार्ज और ये चार्ज कैंसिल करके अपनी फोर्स, तो ये चार्ज फोर्स यहां लगाएगा, अपना आंसर आ गया। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितने रखे आपने, एक दो और तीन, तो कम से कम तीन चार्जेस रखने पड़ेंगे कि नेट फोर्स कहां आ जाए अलोंग एक्स एक्सिस। एन एनी नंबर इसलिए नहीं हो रहा ना, मिनिमम चार्ज कहा उसने, चार्ज का मैग्नीट्यूड। हाँ ये रहा, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे नेट फोर्स यही आनी चाहिए, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। उनका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल नहीं आ रहा। देखो ना, उसने कहा मिनिमम चार्जेस रखने हैं ताकि उन सबका रिजल्टेंट फोर्स ये आ जाए, ठीक। तो रिजल्टेंट फोर्स ये आने का मतलब है कि सभी की नेट फोर्स, अब प्रॉब्लम ये है कि ये फोर्स इसको कैंसिल कर जाती है, वो उनकी हेडेक है ना, कैंसिल हो गई, हम तो ले ही रहे हैं इसकी फोर्स, पर इसके ऑपोजिट मैंने एक और फोर्स रख दी, इसके ऑपोजिट ये रख दी, अब बचा ये अपनी फोर्स लगा गया जो मुझे रिक्वायर्ड है अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर मैं एनी नंबर रखूंगा तो वो तो पता नहीं क्या रिजल्टेंट देंगे मेरे को, इसमें तो श्योर शॉट है कि मेरा आंसर ही आना ही आना है। तो मिनिमम तीन चार से काम चल ही रहा है, मेरा आंसर वही आ रहा है जो वो पूछ रहे हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्या स्टेप समझ में आया कि कैसे? देखो हिट एंड ट्रायल है, कोई थंब रूल नहीं है इसका कि ऐसे करना पड़ेगा, चांस की बात है, बस उस टाइम समझ में आना चाहिए कि मेरी नेट फोर्स इसके इक्वल आने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है यहां तक। और ये क्वेश्चन कितने लोगों से हुआ, 13th वाला नहीं हुआ, दो मिनट रीड करना जरा, कैसे करना है देखो जरा कैसे करोगे। समझो जरा, बनाओ डायग्राम, देखो जरा समझ में आ रहा है?
चलो ठीक, देखो इस क्वेश्चन में ये गिवन है, फोर सिमिलर चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ओ बी सी डी, डी का चार्ज ओ को रिपेल करेगा, सी का ओ को रिपेल करेगा, बी का ओ को रिपेल करेगा, एंड डिस्टेंस ये ए ए ए गिवन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज एट ओ जो तीनों लगाएंगे ड्यू टू चार्ज बी एंड डी अलोंग सी ओ इज इक्वल टू दिस दैट इज सेम। ये स्टेटमेंट बाद में पढ़ता हूं मैं, पहले जरा फोर्स ऑफ रिपल्शन दिखा दूं है क्या, तो इस स्टेटमेंट को बाद में पढ़ूंगा, पहले जरा इस डायग्राम को देखो। डायग्राम वो वाला छोटा है तो थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, थोड़ा बड़ा बनाया मैंने। तो सबसे पहले डी सी बी डायग्राम बनाया, ये ओ है, बी ओ को रिपेल करेगा एफ बी ओ, डी ओ को रिपेल करेगा डी ओ, सी ओ को रिपेल करेगा सी ओ, ठीक है। ये एंगल थीटा वन, ये एंगल थीटा टू, तो ये वाला एंगल थीटा टू माइनस थीटा वन, ये एंगल और ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये वाला, तो ये कितना थीटा टू माइनस थीटा वन, और वैसे ये अगर थीटा टू, ये थीटा थ्री, तो ये वाला एंगल थीटा थ्री माइनस थीटा टू, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये वाला भी थीटा थ्री माइनस थीटा टू, ठीक है यहां तक। इस फोर्स एफ डी ओ के, ये एफ डी ओ है, डी ओ के दो कॉम्पोनेंट है, या इसका कॉम्पोनेंट सी ओ के अलॉन्ग क्या होगा, ये सी ओ की लाइन है, क्या होगा एफ डी ओ कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन, और बी ओ का कॉम्पोनेंट सी ओ के अलॉन्ग क्या होगा एफ बी ओ कॉस थीटा थ्री माइनस थीटा टू। तो मैंने इस फोर्स और इस फोर्स के कॉम्पोनेंट सी ओ के अलॉन्ग निकाल लिए। वो ये कह रहा है कि सी ओ के अलॉन्ग दोनों फोर्सेस के कॉम्पोनेंट एग्जैक्टली सेम आंसर देते हैं, तो मैंने इस फोर्स का कॉम्पोनेंट सी ओ के अलॉन्ग निकाला, इस फोर्स का कॉम्पोनेंट सी ओ के अलॉन्ग निकाला, और दोनों को क्या कर दिया इक्वेट। क्लियर है यहां तक, जैसे उसने कहा कि इक्वल वैल्यू देते हैं, तो मैंने इक्वल कर दिया। अब मुझे पता है कि डी ओ और बी ओ की फोर्स तो बराबर ही होगी, तो ये मैग्नीट्यूड इससे क्या हो जाएगा कैंसल, कॉस ऑफ दिस एंगल, कॉस ऑफ दिस एंगल के इक्वल है, तो ऑब्वियसली एंगल भी आपस में एग्जैक्टली सेम होंगे, ऑप्शन मार्क कर लो, आंसर आ गया, ठीक है यहां तक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि सब कुछ वेक्टर से होने वाला है, वेक्टर की हेल्प से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है यहां तक, ठीक है।